आप सबको अपने सामान में रखे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सब्जी पुलाव की रेसिपी, बहुत ही आसानी से बन जाने वाली और बहुत मजेदार है। जब आप बिरयानी और पुलाव खा के बोर हो जाए तो लाजमी बनाए, आपको पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने इसके लिए शिमला मिर्च ली है एक बड़ी, इसको इस तरह मैंने चकोर क्यूब्स की सूरत में काट लिया है। गाजर है, ये मैंने 2 अदद ली है, इनकी भी इस तरह मैंने मोटी कटिंग की है, पुलाव के लिए बारीक बिल्कुल नहीं काटिएगा। मटर लिए है मैंने, ये समझे मैंने आधा पाव मटर लिए हैं, छीलने के बाद ये निकले हैं। प्याज बघार के लिए काम आएगी, कुछ लाल मिर्च है, हरी मिर्च है। आलू मैंने 2 लिए हैं, इनको भी इस तरह मैंने मोटा मोटा काट के और अच्छे तरीके से धो के रख दिया है। अच्छा, इसमें गरम मसाला कुछ खड़ा जाएगा, 2 तेज़पत्ते हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, कुछ काली मिर्च है और लौंग है, 2 छोटी इलायची है, जीरा 1 टीस्पून है, पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून है, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून है, नमक इसमें आपके जायका जाएगा। अच्छा, सबसे पहले जो हम रेसिपी बनाने के लिए काम करेंगे, मैंने 4 टेबल स्पून दही लिया है और इसमें मैं 1 टमाटर लिया है ये काट के, और 4 हरी मिर्ची है और थोड़ा सा पुदीना है। पुदीना अगर धनिया आपके पास हो तो आप इसमें इस्तेमाल कर लें, क्योंकि पुदीने की बहुत अच्छी खुशबू आती है, अगर नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो हम रेसिपी शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें 1 कप जो है ऑयल इस्तेमाल करेंगे। मैंने चावल आधा किलो लिए हैं तो इसलिए मैं उनके लिए 1 कप जो है ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, और 1 छोटे साइज़ की मैंने प्याज ले ली है जिसको स्लाइसेस की सूरत में मैंने काट लिया है। अब हम इसको हल्का सा गोल्डन कलर लेकर आएंगे, हल्की सी गोल्डन होने लगी है, इसमें मैं 1 टीस्पून के करीब जो है जीरा इसमें शामिल कर देंगे हम, और मैंने जितने खड़े मसाले लिए थे वो भी हम इसी पॉइंट पर इसमें शामिल कर देंगे, और थोड़ा सा प्याज का और गोल्डन होने का इंतज़ार करेंगे। अच्छा, प्याज को हमने डार्क नहीं करना है वरना हमारे चावलों का कलर ख़राब हो जाएगा। अब इस पॉइंट पे मैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, जो मैंने इसके लिए पीस रखा था। तो ये देखिए बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है लहसुन अदरक पेस्ट में शामिल कर देने के बाद। अब मैं इसमें वेजिटेबल भी शामिल कर दूँगी, और साथ ही हमने जो आलू लिए थे वो भी हम इसमें डाल के इसको थोड़ी देर पकाएंगे। तो ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है मिक्स सब्जी अभी से, और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है गरम मसालों के साथ और लहसुन अदरक में भून के। अच्छा, अब इस पॉइंट पर मैं इसमें 1 टीस्पून किसी भी काली मिर्च शामिल कर रही हूँ, ब्लैक पेपर। अच्छा, इसमें लाल किसी भी मिर्ची नहीं जाएंगी बिल्कुल भी, इसमें हम काली मिर्ची और हरी मिर्ची वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, उसी का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। थोड़ा सा पिसा हुआ हम गरम मसाला डालेंगे 1/4 टीस्पून, और इसको सब्जियों को इसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स करके भूनते जाए और फ्राई करेंगे। अब मैं इसमें वो जो मैंने पेस्ट बनाया था टमाटर दही और हरी मिर्चों का, वो इसमें शामिल कर दूंगी, और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दूंगी, वो भी हमारे ब्लेंडर में लगा हुआ था ताकि इसका दही और मसाले वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से इन मसालों के साथ भूनेंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत आदि से लग रहा है और खुशबूदार किस्म का। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक मैंने इसके लिए 1.5 टीस्पून दिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अच्छा, नमक इसलिए थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि चावल डालेंगे हम इसमें शामिल करेंगे सब्जियों में, तो नमक हमारा बैलेंस हो जाएगा। अगर आपको कम लगे तो आप जब चावल डालने लगे उस पॉइंट पर भी नमक को चेक कर सकते हैं। तो ये देखें सब्जियाँ हमारी इसके अंदर मसाले के साथ कितनी खूबसूरत सी फ्राई हो गई हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं फ्राई फ्रेशी। अब हम इसके अंदर जो है पानी डाल देंगे ताकि हमारी सब्जियाँ जो हैं गल जाएँ। मैंने इसमें तकरीबन 3 कप पानी डाला है, अब हम उनको गलने के लिए रख देंगे, और साथ में मैं 2 हरी मिर्चें और 1 लाल मिर्चें में शामिल कर रही हूँ। बस हम इसको कवर कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए सब्जियाँ गल जाने तक के लिए। देखिए हमारी वेजिटेबल्स को गलते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने चावल भिगो के रखे हुए थे, मैंने आधा किलो चावल लिए थे सब्जी पुलाव के लिए, मैं इसमें डाल दूँगी, और को हम इनको इतनी देर तक पकाएंगे कि इनका पानी इतना रह जाए इसमें कि हम इसको दम पर लगा दें। तो ये देखिए अब इसमें इतना ही पानी रह गया है हमारे राइस में कि हम इसको दम पर लगा दें। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे और फिर इसको फाइनल हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, ये देखें हमारे सब्जी पुलाव को दम लग चुका है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए कितना बेहतरीन किस्म का हमारा सब्जी पुलाव बन के तैयार हुआ है, तो आप भी लाजमी बनाएं, आपको पसंद आएगा। देखिए हमारा बेहतरीन किस्म का सब्जी पुलाव बनके तैयार है, आप भी लाजमी बनाएं, चेंज के लिए बनाएं, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मैं इसको हरी दही की चटनी और अचार के साथ पेश कर रही हूँ, तो आप भी बनाएं खाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।